हेलो नमस्ते शश्रीयकाल। आज मैं दक्षिण भारत की एक बहुत ही फेमस चटनी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। अगर डोसा इडली वड़ा उत्तपम के साथ ये चटनी ना परोसी जाए तो ये सारे डिश अधूरे से लगते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं नारियल की चटनी। नारियल की चटनी बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है, आप इसे नोट डाउन कर लें। नारियल की चटनी बनाने के लिए हम मिक्सर जार में आधा कप ताजा नारियल छोटे टुकड़ों में कटा हुआ डालेंगे, 1 टेबलस्पून मूंगफली के दाने, 2 टेबलस्पून पफ चना दाल, आप चाहो तो यहाँ पर सोख चना दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 2 पीस लहसुन की कलियाँ, 1 पीस हरा मिर्च, 5 से 6 पीस करी पत्ता, 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा, 1/2 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर, 2 टेबलस्पून फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। कोरिएंडर लीव्स ऐड करने से नारियल की चटनी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। नमक स्वाद अनुसार या 1/2 टीस्पून, शुगर 1/4 टीस्पून, 2 बड़े चम्मच पानी डालकर आप इन सारी सामग्रियों को स्मूथ पीस कर तैयार कर लें। चटनी को हमने अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरह की स्मूथ कंसिस्टेंसी की चटनी पीस कर तैयार करनी है। और अब आप चटनी को एक बाउल में ट्रांसफर कर लें। अब हम चटनी के लिए टेम्परिंग तैयार कर लेते हैं। तो हमने गैस ऑन करके एक तड़का पैन चढ़ाया है, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे किसी और ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 1/2 टीस्पून उड़द दाल। जब उड़द दाल हल्के से भुन के तैयार हो जाए तब आप इसमें डालिए 1 टीस्पून सरसों के दाने और 1/4 टीस्पून खड़ा जीरा। राई और जीरा के करकते ही आप इसमें 1 पीस सूखा लाल मिर्च, 4 से 5 पीस करी पत्ता डालकर गैस ऑफ कर दें और लास्ट में हम इसमें 1 पिंच हींग डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तड़के को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हो कि चटनी की टेम्परिंग बिल्कुल तैयार है। हमने जो टेम्परिंग तैयार किया था उसे चटनी के ऊपर पोर कर देंगे। आधा नींबू का रस डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो नींबू की जगह 2 बड़े चम्मच दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नारियल की चटनी बिल्कुल तैयार है, आप अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हो इसे मेदू बड़ा इडली डोसा उत्तपम के साथ। तो अगर आपको मेरी क्विक एंड इजी कोकोनट चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप फ्यूचर में किस तरह की रेसिपीज देखना चाहते हो। सो हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।